Assalamu alaikum YouTube family, welcome back to another vlog. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए क्रिकेट के मुतालिक, कि क्रिकेट के शुरू में और एंड में जो है मैं वो क्या करता हूँ। तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। क्रिकेट जो खेलता है उसको एनर्जी काफ़ी चाहिए होती है, इसलिए सुबह उठ के जो है एग वाइट खानी पड़ती है सुबह, मसलन के जो हाई प्रोटीन की जो होती है फूड जो है वो आपको इनटेक करनी होती है। तो सुबह उठते साथ ही ये है कि ऑब्वियसली पहले शावर लिया जाता है, शावर के बाद फिर आप लोगों ने एग वाइट और उसके साथ फिश जो होती है, चूना फिश जो होती है वो मैंने ली, और साथ ही उसके एवोकाडो का जो है वो मिल्क शेक पिया मैंने फ्लोट के साथ ही। तो उसके साथ फिर रेडी हो के तो फिर मैं गाड़ी पे अब जा रहा हूँ वहाँ पे। ऑन द वे मैं एक ब्लैक कॉफ़ी भी पकड़ूँगा जो मैंने पीनी है, क्योंकि आपको थोड़ी सी कैफीन भी चाहिए होती है बॉडी में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ना खज्जल हो जाता है इंसान ना क्रिकेट खेलते हुए। 10 से 15 किलोमीटर आपने भागना होता है क्रिकेट में ना, और ऊपर से मैं फास्ट बॉलिंग भी करता हूँ, तो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा थोड़े मुझे चाहिए होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्ब्स भी खाता हूँ मैं फ्राइडे वाले दिन, ताकि वो है सैटरडे को जो है वो बर्न हो जाते हैं ईजिली। तो इंशाल्लाह हम लोग इस टॉपिक पे भी करेंगे बात, के मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक टिप जो है कि उसके डेली रूटीन में आप क्या करें तो आप फिट रह सकते हैं। एक छोटा सा है वो, 15 मिनट डेली अगर आप वो चीज़ कर लें तो इंशाल्लाह आप लोग फिट रहेंगे। ये ब्लड प्रेशर, ये वो चीज़ें जो इंसान जो है ना इन चीज़ों से बच सकता है, अगर वो चीज़ आप डेली करें अपनी डेली लाइफ में, अगर वो चीज़ें ले आएँ तो इंसान जो है वो बच सकता है। तो इंशाल्लाह अभी मुझे लगेंगे कोई 30 से 40 मिनट लगेंगे वहाँ पे पहुँचते हुए, फिर उस दौरान रास्ते में फिर मैंने कॉफ़ी भी पकड़नी है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं, बहुत प्यारा मौसम है क्रिकेट के लिए, धूप इतनी नहीं है, तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आज क्रिकेट के दौरान। तो आपको अपने कुछ दोस्तों के साथ भी इंशाल्लाह मैं मिलवाऊँगा जो कि मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं काफ़ी अरसे से, इंशाल्लाह उन लोगों के साथ भी आप लोगों को मिलवाऊंगा आज, अगर वो इफ दे फील कंफर्टेबल कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा देन आई विल डेफिनेटली ब्रिंग फॉर एम ऑन। तो इंशाल्लाह अगर वो कहेंगे तो मैं इन्हें ज़रूर लेके आऊंगा, अदरवाइज यू नो इसका ना बिहार। तो बड़े बहुत प्यारा मौसम है आज, इट्स लवली, और धूप नहीं है, जो कि मुझे धूप में वैसे भी जो है ना जब हो ना 35-40 डिग्री तो उसके अंदर बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो यही समझते ना टीवी पे बैठे हमने मैच देख रहे हैं, हमें ये लगता है यार इससे बॉलिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो जब आप ऑन फील्ड होते हो तो आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। तो मुझे पता ना है कि कितना इंसान जो होता है उसकी दौड़ लगती है क्रिकेट में, इंशाल्लाह। लेकिन वही है कि क्रिकेट भी एक आप फिटनेस पे ही है, अगर जिस तरह आपकी फ़िटनेस है उस लिहाज से आप परफॉर्म करते हो, अगर आपकी फ़िटनेस लेवल आपका अच्छा नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप यू कैन बी अ गुड क्रिकेटर। तो फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, डजंट मैटर क्रिकेट हो कुछ भी हो स्पोर्ट्स, उसमें फ़िटनेस लेवल जो है आपका बहुत हाई होना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिटनेस लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, वो जो आपको बचपन लेवल से जो है आप लोगों को करनी पड़ती है मेहनत, क्योंकि जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं और जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन लोग हैं वो सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिट होते हैं।
हाँ मैं आप लोगों को वो टिप बताता हूँ कि डेली जो है अपनी लाइफ में एक चीज़ करें, डेली जो है आपने 1000 स्टेप्स जो हैं वॉक करनी है आपने डेली। अगर आप वो चीज़ डेली अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ब्लड प्रेशर, ये छोटी छोटी जितनी भी बीमारियाँ हैं, इनसे आप बच जाएंगे। ये 1000 स्टेप्स जो है वॉक करना डेली अपनी लाइफ में, डजंट मैटर दिन में करो, शाम में करो, दोपहर में करो आप, लेकिन 1000 स्टेप्स जो हैं वो आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें, तो यकीन करें कि आप इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं होता, वैसे चुगलियाँ करने का लोगों के पास टाइम होता है, तो थोड़ी सी वॉक नहीं कर सकते, 10 से 15 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल में, 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर बनता है 1000 स्टेप्स जो होते हैं, तो वो अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर ठंड है आप घर के अंदर ही जो है आप वॉक करते रहें। अपनी डाइट पे तवज्जो दें, मसलन ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, अगर आपने खा भी ली है तो आप फिर उससे अगला जो नेक्स्ट मील है उसमें आप अवॉइड करें ऑयल वाली चीज़ों को जो है वो आप अवॉइड करें उसके बाद। और अगर आप तीनों टाइम ऑयली चीज़ें ले रहे हैं तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। अब हम पीते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो हमारी रेडी है, तो इसको इंशाल्लाह पीएंगे। कॉफ़ी ब्लैक है, काफ़ी मुश्किल होती है इसको पीने में। पहुंच चुका हूँ, ग्राउंड के पास ही हूँ बिल्कुल, पहुंच के मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ ग्राउंड कैसा है। ग्राउंड जो है इस तरह का नज़र आ रहा है, ग्रास थोड़ी बड़ी है, लेकिन चले देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। Wish me good luck. So I'm leaving the ground now. So we batted first, we scored 258, and we got them all out for 140. So it was an easy win because we were playing against the bottom side of the ladder. And it was pretty much, it's just an easy game. And we got pretty solid side. Our top three are pretty solid. So I'm heading home now, pretty much wrecked, so yeah, so next week is gonna be a tough game. I was gonna take some photos, but I wasn't allowed because the management told me off. The guy, you're not allowed to take photos or video because the kids were around, because in these countries, if you got kids around, you're not allowed to take photos. And it's also the club's policy that you're not allowed to take photos if there are kids on the premises or on the property. So what I do after the cricket, I drink a lot of water, cordial or Gatorade, because I already had 2 Gatorade while I was playing cricket. So I'm gonna have one more when I get home, and then have a shower straight away. And then eat me dinner and then not straight to bed, I will actually got a couple of things to do on the computer, and then I will straight go to bed. So yeah, that's pretty much the plan for the night. It's a Saturday night, a lot of people go out, but I'm not an out person. I'll rather stay at home than going out. So yeah. So tomorrow I got pretty busy schedule as well. इसी के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह।